दोस्तों अभी आप देख पा रहे हैं ये बजाज की पल्सर 150 BS4 बाइक है, BS3 बाइक है। इसका डिस्क ब्रेक प्रॉब्लम है और हमारे हाथ में ये दो प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक है छोटा सा किट मेजर सिलेंडर, इसका नाम है मेजर सिलेंडर और इसे हम लोग MC किट भी बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था किट एंड किट मेजर मास्टर सिलेंडर, इस तरह का इसमें लिखा हुआ होता है। और ये डिस्क ब्रेक साथ यहाँ पे लगता है जो, और इसके साथ ही दोस्तों हमारे हाथ में है पूरा किट सिलेंडर मास्टर किट, यानी कि इसके साथ जो है ये पूरा आता है सिलेंडर और इसके साथ ब्रेक भी आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका जो ब्रेक है काफ़ी दिनों से बंद पड़ी थी और इसे हमें सही करना है। अब हम ये देखने वाले दोस्तों कि इसमें ये पूरा किट लगेगा या फिर MC किट लगेगा, यानी कि पूरा किट लगेगा या सिर्फ इसी से काम चल जाएगा। तो हमने जब पहली बार इसे खोला तो हमने देखा कि ये काफ़ी ज़्यादा गंदा था, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ था, कीचड़ जैसा बना हुआ था। काफ़ी दिनों से जब बंद पड़ी रहती है ये सिलेंडर, यानी कि ब्रेक वाला डिस्क ब्रेक जब काफ़ी दिनों से बंद पड़ी जाती है तो इसमें जो है जो डिस्क ऑयल होगा वो ख़राब हो जाता है और कीचड़ मतलब इसमें बन जाता है, वो ख़राब हो जाता है और वो हमें साफ़ करना होता है। पूरा मैंने इसको बाहर निकाला और इसको वॉश किया पानी से, क्योंकि पानी से ही इसको वॉश करना चाहिए। आपको पेट्रोल वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, फिर किरासन डीजल वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, पेट्रोल इसमें काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसे मैंने वॉश कर दिया पूरी तरीके से और अंदर का मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये सारे चीज़ जो है ये इसके अंदर पड़ा हुआ था। इसको हम कब बदलते हैं, देखिए जब मैंने इसको बाहर निकाला तो मैं देख रहा हूँ इसका जो रबड़ है वो रबड़ कट चुका है और ये पार्ट जो है मेटल इसका घिस चुका है। इसके साथ ही आगे का जो रबड़ है ये भी कटा हुआ है और ये सब जो है थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। तो हमें सिर्फ पहले यही बदल के देखना है, क्योंकि मैंने इसको पूरी तरीके से वॉश कर दिया, पाइप में जो तेल था वो भी हमने निकाल दिया, नीचे जो है हमने डिस्क पैड नया लगा दिया, वो बजाज का जेन्युइन हमने लगा दिया है, वो भी ख़राब था, बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो चलो फटाफट हम इसे इंस्टॉल करते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा इस वीडियो में कि इसे डालने से ये ठीक होता है या नहीं होता है, या फिर अगर इससे नहीं होगा तो फिर हम जो है पूरा कम्प्लीट डालेंगे, इसे पूरा कम्प्लीट डालेंगे, इसके अंदर ये सब चीज़ें लगा हुआ होता है। बजाज कंपनी हैंडल वॉल रेसर और मेजर किट के साथ जो है ग्रीस भी देते हैं, काफ़ी अच्छी बात है। इसका प्राइस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 184 रुपये है। फटाफट लगाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हमें ग्रीस का इस्तेमाल करना है। ज़्यादा ग्रीस हमें नहीं देना चाहिए, ये लॉक लगाते समय आपको ध्यान देना है। अंदर में जो है दो खांचा होता है, एक होता है रबड़ को रखने के लिए और एक होता है लॉक लगाने के लिए, अंदर वाले में आपको लॉक लगाना है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ऑयल डालना है और देखते हैं कंप्रेसर वगैरह बनता है कि नहीं, ये काम करता है कि नहीं। लीवर नहीं लगाएंगे, इस पेचकस से जो है हमें इस तरीके से दबाना है। नज़दीक करो, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि एयर बन रहा है। कुछ देर के लिए हम इसी तरीके से दबाए रखेंगे, उसके बाद जो है जब थोड़ा टाइट हो जाएगा, यानी कि इसी तरीके से दबा के हमें जो है पाइप में तेल को पहुँचाना है। ये जो पाइप है यहाँ सिलेंडर यहाँ नीचे तक जो है तेल पहुँचना चाहिए, इसके अंदर भरना चाहिए, उसके बाद फिर हम इसे लूज़ करेंगे, यहाँ से कुछ एयर निकालेंगे, अंदर में जो कचरा होगा वो भी हम साफ़ करेंगे, ये तेल जो है बाहर की ओर निकल जाना चाहिए तभी हम इसको छोड़ेंगे। अभी देखिए मैंने इस एयर वाले नट को लूज़ किया तो नीचे जो है जो तेल गिर रहा है इसका वो कचरा गाढ़ा सा गिर रहा है, तो वो सारा तेल जो हमें निकालना है जब तक ये
अच्छा तेल नीचे ना पहुंच जाए। तो मेरे ख्याल से ये जो है पूरी तरीके से काम कर पा रहा है और इसी से काम चल जाएगा, पूरा किट लगाने की ज़रूरत नहीं है। बंद कर, ऊपर देखा, ऊपर ऊपर यहाँ देखा जल्दी से, यहाँ पे देख सकते हैं ये तेल भी जो है कम पड़ गया। अब तेल जो है बहुत घट चुका है जो कि मैंने भर के डाला था, और यहाँ पे तेल जो है नया तेल गिरने लगा है। अब मैं इसको बंद करूँगा, अब इसको टाइट करो। टाइट आपको उसी समय करना है जब इसका सारा एयर निकल जाए, बुलबुली ख़त्म हो जाए तब। तो बस अब देखिए मैं इसे दबा रहा हूँ तो बहुत ही कम दब रहा है, यानी कि ब्रेक जैसा लगना चाहिए वैसा ही लग रहा है, और नीचे व्हील भी जो है पकड़ कर पा रहा है, ब्रेक जो है काम करने लगा। चक्का घुमा तो ये देखिए, लेकिन अभी जो है ये टाइट नहीं हुआ है, अभी ये लूज रहता है, तो प्रेशर पूरी तरीके से नहीं बन पा रहा है अभी। थोड़ा इसका हम एयर और निकालेंगे, उसके बाद देखते हैं। एयर निकालते समय आगे ऊपर से जो है ब्रेक नहीं दबाना है आपको। तो ये देखिए ये हवा निकलता है, यही एयर है। टाइट करो, यहाँ देखो, फिर जो है हम इसे दबाएंगे। घुमा चक्का तो चलो ठीक है। तो इस तरीके से गाइस सिर्फ हमें यही लगाने से हमने देखा कि रिजल्ट अच्छा मिला, ये जो है काम करने लगा है, डिस्क ब्रेक जो है वर्क करने लगा है। हमें ये पूरा किट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ा कि हम सिलेंडर पूरा मास्टर सिलेंडर किट डालेंगे, ऐसा हमें नहीं करना पड़ा। हमने सोचा कि ये ख़राब होगा इसीलिए मैंने इसे मंगा लिया था, तो फिर हमारे पास यही था, तो सोचा कि चलो पहले इसे ही लगा कर देख लें, उसके बाद फिर जो है हम नहीं होता तो फिर हम पूरा किट लगाएंगे। तो आपने देख लिया, मैंने बहुत ही आसानी तरीके से मैंने कर दिखाया। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।